हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको ग्रास हॉपर के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम या कोई भी सिस्टम आप अगर देखें तो उसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो होता है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और दूसरा इसका पार्ट हो जाएगा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, यानी पाचक अंग कौन कौन से हैं ये पहले उसमें आ जाएगा, और दूसरे में आएगा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन यानी पाचन क्रिया विधि, किस तरह से पाचन होता है। तो मैं पाचन ऑर्गन्स जो हैं उनके बारे में आज बताऊंगा, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स अगर देखा जाए तो इनको तीन भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से तीन भाग हैं? पहला है प्री ओरल कैविटी, पहले को आप प्री ओरल कैविटी कह सकते हैं, प्री ओरल कैविटी। दूसरा पार्ट हो जाएगा इसका एलिमेंटरी कैनाल, और तीसरा पार्ट हो जाएगा असेसरी ग्लैंड्स यानी सहायक ग्रंथियां। तीन भागों में इसको बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्री ओरल कैविटी की आपसे बात करेंगे। ये पाचन अंग है, पाचन अंग पहले हम अध्ययन कर रहे हैं, इसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन या पाचन क्रिया विधि की बात बाद में करेंगे। तो प्री ओरल कैविटी, ये देख लीजिए प्री ओरल कैविटी क्या होती है। प्री ओरल कैविटी यानी पूर्व मुख गुहा, मुखांगों के मध्य के स्थान को ही प्री ओरल कैविटी कहते हैं। ये देख लीजिए, ये इसके माउथ पार्ट्स हैं। माउथ पार्ट्स में जो इसके बीच का स्थान है माउथ पार्ट्स के, उसको कहते हैं प्री ओरल कैविटी या पूर्व मुख गुहा। ये हिस्सा हाइपोफेरिंग्स के द्वारा, ये बीच में हाइपोफेरिंग्स है, हाइपोफेरिंग्स के द्वारा दो भागों में बटा होता है। एक ऊपर का भाग हो गया, एक नीचे का भाग हो गया। अपने से ही अगर आप देखेंगे, जीवा बीच में होती है मुख के, जीवा के ऊपर का हिस्सा और जीवा के नीचे का हिस्सा, दो हिस्सों में ये पूरे मुख गुहा को बांट देती है हाइपोफेरिंग्स। ऊपर का जो हिस्सा होता है इसको साइबेरियम कहते हैं, जीवा के ऊपर का हिस्सा साइबेरियम कहलाता है। इस भाग में जो एलिमेंट्री कैनाल है या आहार नाल जो होती है ये खुली हुई होती है, और नीचे का हिस्सा, हाइपोफेरिंग्स के नीचे का हिस्सा, इसको कहते हैं सेलाइवेरियम। सेलाइवेरियम जो है इसमें लार नली खुलती है, ये लार नली आ रही है, ये लार नली यहाँ पर खुली होती है। तो प्री ओरल कैविटी या पूर्व मुख गुहा, इसमें मुखांगों के मध्य के स्थान को प्री ओरल कैविटी कहते हैं या पूर्व मुख गुहा कहते हैं। ये हिस्सा, ये भाग हाइपोफेरिंग्स या जीवा के द्वारा दो भागों में बटा होता है। ऊपर का हिस्सा साइबेरियम कहलाता है, इसमें आहार नाल खुलती है। नीचे का हिस्सा सेलाइवेरियम कहलाता है, इसमें लार नली खुलती है। अब इसके बाद दूसरे हिस्से पे आ जाइए, एलिमेंट्री कैनाल। ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये पूरा ही एलिमेंट्री कैनाल है, या इसको आहार नाल हिंदी में कहते हैं। आहार नाल अगर ग्रासहॉपर की आप देखें तो ये तीन भागों में बटी होती है, आगे से लेकर के और यहाँ तक का हिस्सा ये कहलाता है स्टोमोडियम या फोरगट। इसके बाद यहाँ से और यहाँ तक का हिस्सा ये मेजेंटरान कहलाता है या मिडगट कहलाता है, या इसको मध्यांत्र कहते हैं या मध्य प्रणाली कहते हैं, इसको अगर प्रणाली, इसको मध्य प्रणाली। इसके बाद यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का हिस्सा इसको प्राकोडियम या हाइंडगट कहते हैं। तो तीन भाग हो गए, पहला भाग फोरगट, दूसरा भाग मिडगट या मेजेंटरान, और तीसरा भाग प्राकोडियम या हाइंडगट। तीन पार्ट्स में आप इसको बांट सकते हैं। अब पहला पार्ट देख लीजिए, पहला पार्ट प्री ओरल कैविटी से ही शुरू हो जाता है, प्री ओरल कैविटी। फिर इसके बाद में इसका दूसरा हिस्सा, इसको फेरिंग्स कहते हैं। फिर इसके बाद तीसरा हिस्सा, इसको ईसोफेगस कहते हैं। फिर इसके बाद में ये क्रॉप जो होता है, यहाँ भोजन इकट्ठा होता है, इसको भोजन ग्रह भी हिंदी में कहते हैं। यहाँ भोजन आकर के, यहाँ से भोजन आया और यहाँ पर इकट्ठा हो गया, तो ये क्रॉप हो गया। क्रॉप के ही अंदर अगर देखा जाए तो गिजार्ड होता है। गिजार्ड क्या है? जो ये पाइप जैसा है, इसके अंदर वी के आकार के छह उभार होते हैं, और ये छह उभार जो होते हैं इन्हीं में संकुचन होता रहता है, जिससे कि भोजन को यहाँ पर पीसा जाता है, और महीन पीसा हुआ भोजन यहीं पर एक वाल्व बन जाता है अंदर की तरफ, जिसको कार्डियक वाल्व कहते हैं। इस कार्डियक वाल्व से एक छलनी टाइप की बन जाती है, जिससे कि महीन पिसा हुआ भोजन ही आगे मिडगट में जाने पाता है, और भोजन के बड़े टुकड़े यहीं रह जाते हैं। यहाँ पर अंदर की तरफ एक वी के आकार की छह उभारों वाली रचना होती है, जिसको गिजार्ड कहते हैं।
चक्की जैसी होती है, उसमें लगातार संकुचन होता रहता है और वी के आकार के जो वो उसमें उभार होते हैं वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इसके बाद इसकी अगर जो अंदर की जो ये दीवार है, ये जो दीवार इसकी होती है, अगर इस दीवार का सेक्शन काटा जाए तो उसमें जो आपको परतें मिलेंगी इसकी दीवार में, अंदर की तरफ तो खाली नली का खाली हिस्सा होगा जिसको ल्यूमेन कहते हैं, और उसके बाद में जो इसकी दीवार है उसके अंदर कई परतें पाई जाती हैं। सबसे अंदर की तरफ इंटाइमा होती है, फिर उसके बाद में इंटाइमा के बाद इपिथीलियम होती है, इपिथीलियम के बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, फिर सर्कुलर मसल्स होती हैं, और उसके बाद पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है, परिश्लेष्मिका होती है। तो इसकी दीवार में इतनी परतें पाई जाती हैं। इसके बाद यहाँ से आप इधर आ जाइए मिडगट या मेजेंटरान में, बाहर से अगर देखा जाए तो ये हिपेटिक सीका कहलाते हैं, या कृत सीका, हिपेटिक सीका कहलाते हैं। यहाँ से लेकर अगर बाहर से देखेंगे तो यहाँ से लेकर के और यहाँ ये मिडगट और हाइंड गट का जोड़ जो होता है, यहाँ पर बाहर की तरफ ये आप देख रहे हैं ये नलिकाएं होती हैं जो रक्त में फैली रहती हैं, इनको मैलपीजियन ट्यूबुल्स कहते हैं। तो बाहर से अगर देखा जाए तो हिपेटिक सीका से लेकर के गैस्ट्रिक सीका भी इसको कहते हैं, इंटीरियर लोब ऑफ गैस्ट्रिक सीका ये हो गया, पोस्टीरियर लोब ऑफ गैस्ट्रिक सीका हो गया, तो ये गैस्ट्रिक सीका भी कहलाता है, हेपेटिक सीका भी कहलाता है, हिंदी में यकृत सीका कहते हैं। बाहर से अगर देखेंगे तो यकृत सीका से लेकर के मैलपिजन ट्यूबुल्स, ये मैलपिजन ट्यूबुल्स हैं, मैलपिजन ट्यूबुल्स तक, और अंदर से देखा जाए तो मैंने यहाँ बताया कार्डियक वाल्व होता है, और यहाँ पर अंदर की तरफ एक वाल्व होता है जिसको पायोरिक वाल्व कहते हैं। पायोरिक वाल्व से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हाइंड गट में पहुंचता है और जो पचा हुआ भोजन है उसका यहीं पे अवशोषण हो जाता है। तो ये बाहर से हेपेटिक सीका से मैलपिजन ट्यूबुल्स तक, अंदर से देखा जाए तो कार्डियक वाल्व से लेकर पायोरिक वाल्व तक पहली नलिकाकार रचना होती है, और इस नलिकाकार रचना में जो परतें पाई जाती हैं उसमें सबसे अंदर की तरफ पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद में एंटेरिक इपिथीलियम होती है, फिर उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद इसमें सर्कुलर मसल्स पहले होती हैं, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, और फिर लास्ट में पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है। इतनी परतें इसमें होती हैं। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन जो पाई जाती है वो केवल मिडगट में ही, मिडगट की दीवार में पाई जाती है, इसमें और इसमें नहीं पाई जाती, मिडगट की दीवार में पाई जाती है। उसका काम होता है जो लिक्विड मटेरियल होते हैं उसका एक्सचेंज करती है, यानी जो पाचक रस यहाँ दीवार से डाले जाते हैं भोजन में, डाइजेस्टिव फ्लूड डाला जाता है, वो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन से नली के अंदर पहुंच जाता है, और पचा हुआ भोजन जो अंदर होता है वो पच करके इनकी दीवारों से अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये लिक्विड के रूप में जो भोजन होता है या डाइजेस्टिव फ्लूड्स होते हैं उनका एक्सचेंज भी पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन करती है। एंटेरिक एपिथीलियम जो इसकी होती है उसको अगर देखा जाए, सेक्शन काटने पर ही दिखाई पड़ेगी, तो एंटेरिक एपिथीलियम में तीन तरह की सेल्स होती हैं, गॉबलेट सेल्स, कॉलमनर सेल्स और रीजनरेटिव सेल्स। गॉबलेट सेल्स पाचक रस बनाती हैं, डाइजेस्टिव फ्रूट्स बनाती हैं, कॉलमनर सेल्स पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेती हैं और उसको रक्त में मिला करके पूरे बॉडी में उसको सर्कुलेट कर दिया जाता है, और रीजनरेटिव सेल्स जो होती हैं वो एंटेरिक एपिथीलियम की जो सेल्स होती हैं वो जो मर जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, उनके स्थान पर नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। और उसके बाद में इसमें भी वही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, पेरिट्यूडनल मेम्ब्रेन ऊपर की तरफ होती हैं। अब आप आ जाइए इधर, ये हाइंड गट या प्रैक्टोरियम है। हाइंड गट या प्रैक्टोरियम सबसे आखिरी का हिस्सा है, जहाँ पचा हुआ भोजन यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इधर आता है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रैक्टोरियम जो है इसका एक पहला हिस्सा इलियम कहलाता है, छोटी आंत, फिर कोलन, बड़ी आंत, और इसके बाद रेक्टम होता है, और इसके बाद एनस होता है जिससे वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल आता है, खाने का वेस्ट मटेरियल यहाँ से आता है, ये मैलपिजन ट्यूबुल्स जो होती हैं ये नाइट्रोजन युक्त मल पदार्थों को अवशोषित करती हैं, वो भी इसी में छोड़ देती हैं, यूरिया और नाइट्रोजन युक्त मल पदार्थ वो भी यहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं, और इसको बाद में यहाँ आता है रेक्टम में। रेक्टम में जो मॉइस्चर होता है अधिकांश मात्रा उसकी सोख ली जाती है रेक्टल पैपिली के द्वारा, और इसके बाद वेस्ट मटेरियल एनस से बाहर निकल जाता है। इस तरह से ये इनकी एलिमेंट्री कैनाल है, और इसके बाद में थोड़ा बहुत जो इसका ले आता है मैं इसकी हिस्टोलॉजी और फिजियोलॉजी ये मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।